8 वर्ष की प्यारी सी मासूम सी एक छोटी सी बच्ची रोज स्कूल जाती थी। उस दिन भी वो सुबह सुबह उठकर स्कूल गई और स्कूल जाने के बाद दोपहर में स्कूल में छुट्टी हो गई और सीधा वो अपने घर को वापस आती है। स्कूल उसके घर से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर था, इसलिए वो नन्ही सी बच्ची अपने गाँव के और स्कूली बच्चों के साथ रोज पैदल ही जाती थी। पर वो आज आई तो बहुत थकी थी। पिताजी ने कहा कि बेटा तुम कुछ खाना पीना खा लो और अपने स्कूल के ड्रेस को चेंज कर लो, उसके बाद दूसरा कपड़ा पहनकर रोज की तरह जैसे तुम बकरियां चराने जाती हो वैसे आज भी बकरियों को चराने लेकर चली जाओ। वो अपनी पिता की कही गई बातों को बड़े प्यार से मान लेती है और अपना स्कूल का ड्रेस चेंज करके कुछ रूखा सूखा खाना खाती है। और ये गरीब घर की 8 वर्षीय बच्ची सोना फिर अपने बकरियों को खोलती है और बकरियों को खोलकर वो उन्हें चराने जाती है। पर लेकिन धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। अब उसकी बकरियां तो घर वापस आ गई लेकिन सोना वापस नहीं आई। घर वालों ने जब देखा कि उसकी सारी बकरियां सही सलामत घर पर वापस आ गई हैं लेकिन 8 वर्षीय बच्ची सोना घर पे वापस नहीं आई, तो घर वालों को शिकन सताने लगी और घर वालों को एक डर सताने लगा कि आखिर सोना कहाँ गायब हो गई, आखिर सोना कहाँ की रहने वाली थी और सोना के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे 8 वर्ष के उम्र में ही दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देना पड़ा। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ना, वो सच्ची कहानी आप सुनकर बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कैसा जमाना आ गया है जब छोटे छोटे बच्चों के हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल ना ही आने वाले उनके भविष्य को बिगाड़ रहा है बल्कि वो सीधा ऐसा जुर्म कर बैठ रहे हैं जिसकी सजा उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जाकर काटनी पड़ेगी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हाल चाल, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूँ, इस सच्ची कहानी को बिना समय गंवाए आपको सुनाऊंगा। पर इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं समाज में घट रही ऐसी सच्ची क्राइम की कहानियाँ अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। आइए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है 28 फरवरी 2024 को, यानी कि अभी पिछले महीने। कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया। यह जिले में ही एक छोटा सा गांव आता है जिस गांव का नाम है गोर स्थान। इसी गोर स्थान गांव में एक मध्यम वर्गीय गरीब तबके का एक परिवार रहा करता था, भरत यादव का परिवार। भरत यादव की छोटी बिटिया जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष थी, जो स्कूल से आने के बाद अपनी बकरियों को खोलकर उन्हें चराने जाती थी। 28 फरवरी को जब सोना अपनी बकरियों को चराने गई और वापस नहीं आई तब घर वालों ने सोना की खोजबीन करनी शुरू कर दी। पहले तो खोजबीन करते करते जहाँ जहाँ वो गांव के आसपास जो भी खेत थे, जो भी जंगल थे, जिन जिन स्थानों पर वो बकरियाँ और उसके साथ वाले बकरियाँ चराने जाते थे उन हर जगह पर सोना की खोजबीन की, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा और ना ही सोना का कुछ अता पता चल सका कि आखिर 8 वर्षीय ये छोटी सी प्यारी सी मासूम बच्ची आखिर कहाँ गुम हो गई। अब घर वाले पूरी रात पूरे गांव वालों को बताते हैं, पूरे मोहल्ले वालों को बताते हैं और ये बात धीरे धीरे करके कई गांव तक फैल गई। अब कई गांव के लोग एकत्रित होकर सोना को खोजना शुरू करते हैं और जब पूरी रात खोजने के बाद भी सोना का कोई अता पता नहीं चला तो भरत यादव सीधा थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचकर वो बताते हैं कि साहब, मेरी बिटिया सोना कल बकरी चराने गई थी पर वो वापस नहीं आई। साहब, वो पता नहीं कहाँ गुम है। पुलिस वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके सोना को खोजने का प्रयास करते हैं। अब पुलिस वाले और गांव वाले अभी सोना को खोज ही रहे थे तो ही गोर स्थान गांव के पास ही एक बड़ा सा तालाब पड़ता है। उस तालाब के पास एक मिट्टी का बड़ा सा ढेर था। जब उस मिट्टी के ढेर पर गांव वाले चढ़ते हैं तो
तो देखते हैं कि काफी मिट्टी के नीचे एक हाथ निकला हुआ है जो किसी लाश का लग रहा है। अब उस हाथ को पकड़कर गांव वाले बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि वो किसी और की नहीं बल्कि 8 वर्षीय मासूम बच्ची सोना की लाश थी। पुलिस 8 वर्षीय सोना के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि सोना के साथ ना ही बलात्कार किया गया है, ना ही उसे किसी धारदार हथियार से मारा गया है और ना ही उसे चोटिल करके मारा गया है। अब सवाल ये था कि जब ये सब नहीं हुआ तो आखिर सोना को मारा किसने, क्योंकि कोई फिरौती वाला या कोई किडनैपिंग वाला नहीं मार सकता है, क्योंकि एक गरीब घर की बिटिया थी और उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात भी नहीं हुई थी। इसलिए पुलिस बड़ा सोच में पड़ जाती है कि क्या समझ के उसके पीछे इसका क्या कारण रहा होगा जो इस मासूम और नन्ही सी बच्ची को निशाना बनाया। तो पुलिस वालों ने गाँव के कई लोगों से पूछताछ की तो पुलिस वालों को गाँव के एक व्यक्ति ने बताया कि साहब जब 28 फरवरी 2024 को सोना बकरी चराने गई थी तो गांव के 3 छोटे छोटे लड़के भी उसी जंगल में कुछ खेलने घूमने गए थे। अब उनमें से पुलिस एक बच्चे को गिरफ्तार करती है जिसका नाम रोहित था, जिसकी उम्र करीब 16 साल की थी, वो नाबालिग था। तो रोहित से पुलिस पूछताछ करती है कि तुम सोना से कब मिले थे और क्या तुमने किसी को देखा है सोना को मारते हुए। तो पहले तो पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन पुलिस जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, क्योंकि वो नाबालिग था, तो टूट जाता है, वो पूरी कहानी बताता है। पूरी कहानी जो उसने पुलिस को बताई वो शायद आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आज के समय में छोटे छोटे बच्चे एंड्रॉइड फोन का यूज करते हैं और वो एक गलत रास्ते पर पकड़ते हैं। शायद तीनों लड़कों ने भी वही गलत रास्ता पकड़ रखा था। अब रोहित बताता है कि साहब हम लोग जंगल में गए थे, तीनों लोग आपस में खेल रहे थे और सोना से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने सोना को ईंटे से मार दिया। अब पुलिस कहती है बेटा अगर तुमने ईंटे से मारा तो उसके शरीर पे कोई घाव के निशान या कोई खून निकलने का निशान होता नहीं। अब रोहित डर सहम जाता है और रोहित पुलिस को बताता है कि साहब दरअसल हम तीनों लोग मोबाइल में ब्लू फिल्म चलाकर यानी न्यूड वीडियो देख रहे थे और वो पीछे से आई सोना और उसने देख लिया कि हम लोग गंदी वीडियो मोबाइल में देख रहे थे और वो बार बार कहने लगी, वो मेरे गांव की ही रहने वाली थी, और कहने लगी कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को ये सारी बातें बता दूंगी। हम लोगों ने साहब उसे रोका लेकिन वो मानी नहीं। फिर हमने कहा कि तुम मत बताना सोना, हम तुम्हें टॉफी खिलाएंगे, चॉकलेट खिलाएंगे, तुम्हें साइकिल से स्कूल ले चलेंगे, लेकिन वो 8 साल की मासूम बच्ची, उसे इतना कहाँ पता। वो बार बार कहती रही कि मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी कि तुम तीनों लोग जंगल में एकांत में जाकर मोबाइल में गलत वीडियो यानी कि ब्लू फिल्म देखते हो, जिसे लेकर इन तीनों ने सोना को पहले तो मारा, फिर सोना जब काफ़ी तेज चिल्लाने लगी तो सोना के गले में एक छोटा सा दुपट्टा पड़ा था, उस दुपट्टे से उस मासूम को गले में डालकर इन तीनों ने वो दुपट्टा तब तक खींच रखा जब तक सोना इस दुनिया को छोड़कर चली नहीं गई। दोस्तों अब बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हम इंसान अपने छोटे छोटे बच्चों जो नाबालिग हैं उन्हें एंड्रॉइड मोबाइल फोन का चस्का क्यों लगवाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी है और अगर आपके बच्चे भी एंड्रॉइड फोन को यूज कर रहे हैं तो हमेशा एक चीज ध्यान देकर उन्हें यूज करने दें कि वो आखिर मोबाइल में क्या सर्च कर रहे हैं और किस रास्ते पर जाना चाह रहे हैं। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो बनाने के पीछे का मकसद जो है वो ये है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। फिलहाल आपका पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।